वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्शद के आशियाने में। तो गाइस एक्चुअली मैं आज आया हुआ इंटरव्यू देने, जो कि है नागपारा के एक्सरसाइज सेंटर पे, और मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। यहां पे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पुरानी बिल्डिंग, ये अंदर पूरे अंदर में यहाँ इंस्टीट्यूट है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसी में इंटरव्यू हो रहा है आज, जो कि सऊदी अरबिया के लिए है। तो मैं अभी हूँ पहुंच चुका हूं यहां पे। तकरीबन यहां पे आने में मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए। तो गाइज मैं लेके चलता हूं सीधा ट्रेनिंग सेंटर में। और तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं आयशा साइड सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे, और आप देख पा रहे हैं ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो आप सामान दिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या मैकेनिकल से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड हो, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और हर चीज़ की सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। और अभी यहाँ पे प्लम्बर वगैरह का इंटरव्यू नीचे चल रहा है, और फर्स्ट फ्लोर भी इंटरव्यू चल रहा है। फिलहाल अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और अभी मैं नीचे में हूँ जहाँ पे अभी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पर इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ ऊपर का फिर। गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, जो कि यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ है। मैं आपको यहाँ पे कैमरा बैक करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख पा रहे हो हमारे बैक साइड में, तो मैं आपको कैमरा बैक करके यहाँ का भीड़ दिखाता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रही है, क्या क्या कि किस फील्ड का यहाँ पे इंटरव्यू है। तकरीबन 10 स्टेट का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। और गाइस मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले साइड से स्टार्ट करता हूँ, जाता हूँ साइड में, वहाँ से पूरा वीडियो लूँगा, फिर आपको पूरा दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आए हुए करीब मैं 8:20 में आया था, अभी बजने वाले 12, और करीब 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, और इंटरव्यू में स्टार्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पे एक भाई से मिला, जो कि काफ़ी दूर से यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, और जो कि आइए मैं उनके बारे में उनसे ही पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है। तो गाइस मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा, तो ये भाई है, और भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सैयद। और कहाँ से आप आए? राजस्थान से। राजस्थान से, और स्पेशली इसी इंटरव्यू देने के लिए आए? हाँ। कब चले थे वहाँ से आप? कल सुबह 8 बजे चले। कल सुबह 8 बजे चले, और पहुँचे यहाँ कब? अभी यहाँ कब पहुँचे? यहाँ 8 बजे पहुँचा। कौन से फील्ड के लिए इंटरव्यू देने आए आप? कौन से फील्ड के लिए इंटरव्यू देने आए? टीम बॉय के लिए। टीम बॉय के लिए। तो गाइस यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने, और फिलहाल तो मैं भी दूर का आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहले से आया हुआ हूँ। और ये भाई कल आए हैं इसी इंटरव्यू के लिए यहाँ पे, और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इंटरव्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या करीब सुबह 8 बजे ही चले हैं जैसा कि ये बता रहे हैं। और इनके साथ 2-3 लोग आ रहे हैं राजस्थान से, यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग से आए हुए हैं, और सब लोग इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सारे लोग आप देख रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? जब ये आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए आए हैं, और यहाँ पर सभी लोग इंटरव्यू देने आया है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कुछ कह नहीं सकते, इंटरव्यू हो पाएगा? उम्मीद बिल्कुल नहीं है, उम्मीद नहीं है इंटरव्यू के लिए, लेकिन देखना कितना भीड़ है। वही गाइस मैं आप लोगों को पहले वीडियो दिखा चुका हूँ, बल्कि आप जो आप पीछे देखे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा रश है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोगों का कोई चांसेस नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे भीड़। तो गाइस मैं आपको बातें करके अपडेट करता हूँ, बाकी तलाकों की संख्या हालत खराब हो चुकी है, बैठे बैठे
और तकरीबन अभी 4:30 हो चुका है और अब तक आप देख ही पा रहे हैं मीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो गाइस एक्चुअली ठीक है जी वो फ्रंट फ्लोर पे भी चल रही है, ऊपर भी चल रही है, दोनों जगह इंटरव्यू चल रही है, लेकिन भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हम लोगों का हालत ख़राब हो चुका है। और अभी कुछ देर पहले गया हुआ था खाना खाने के लिए, खाना खा के आया हूँ और फिर से वेट कर रहे हैं, और वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और हम लोग वेट ही कर सकते हैं, जब बारी आएगी तभी टाइम को देख पाएंगे। फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं और देखते हैं कब तक आ पाता है, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम इंटरव्यू आज अटेंड कर पाए या नहीं कर पाए, वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस जहाँ मैं इंटरव्यू देने आया था वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है लकड़ी के ऊपर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे बहुत ही फेमस शायर थे जो कि जिनका नाम मिर्ज़ा गालिब है, उन्हीं की यादों में इस चौक पे एक बहुत ही खूबसूरत जान से बनाया हुआ है जो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे से, और मुझे काफ़ी पसंद आया, होप करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। 8 बज चुके हैं और मैं वहाँ सेंटर से बाहर आ चुका हूँ और एक्चुअली इंटरव्यू हो नहीं पाया, और क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का ही इंटरव्यू चलते चलते करीब 8 बज चुका है, उसके बाद क्लाइंट जो थे वो चले गए, तो फिलहाल हम लोगों को आप बोले हैं कल आने के लिए। तो गाइस यहाँ सुबह मैं करीब 8:20 में मैं आया था और अब जा रहा हूँ 8 बजे, यानी कि तकरीबन 12 घंटे से मैं वहाँ पे था और इंतज़ार करते ही 12 घंटा बीत गया हमारा, लेकिन इंटरव्यू हो नहीं पाया। तो अब फिलहाल निकल गए हैं वहाँ से और जा रहे हैं, अभी हूँ मैं नागपाड़ा में और यहाँ से मुझे जाना बाइकल्ला रेलवे स्टेशन, जो कि लोकल ट्रेन मुझे लेनी है वहाँ से, फिर वहाँ लोकल से मुझे कोरला जाना है, तकरीबन अभी 1 घंटा लगेगा जाने में वहाँ पे। और यहाँ से जो अभी मैं पैदल चल रहा हूँ ये नागपाड़ा का एरिया है, और यहाँ से करीब बाइकल्ला जो रेलवे स्टेशन है पहुँचने में करीब 1.4 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस, तो मैं अभी फ़िलहाल बाई वॉक ही जा रहा हूँ। तो गाइस आज दिन में बहुत थक गया इंतज़ार करते करते, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी होती है। तो गाइस ये वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, जो बस मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को दिखाना था जो कि इंटरव्यू में कितना टाइम लगता है जो कि गल्फ जाने के लिए और कितनी सारी परेशानी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखाया। आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी हुई होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइस बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।